हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीवी कारण बाइक की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सोपशेन और आज हम आपको ले चल रहे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, जहां हम आपको वॉक अराउंड रिव्यू देने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न का। आई नो थोड़ी सी डिफरेंट स्टार्टिंग है, बट मैं शोरूम ही जा रहा था तो सोचा यहीं पर स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। एंड थोड़ी सी अगर वॉइस का इशू आ रहा हो तो नेक्स्ट टाइम पर बेटर हो जाएगी क्वालिटी, ठीक है। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाइक का वॉक अराउंड रिव्यू। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। अब आपको दिखाते हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न का वॉक अराउंड रिव्यू। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 आपको 11 वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी, जिसमें से इसके दो एडिशन में आपको क्रोम एडिशन देखने को मिलेगा, क्रोम रेड एंड क्रोम ब्रॉन्ज। यह है इसका क्रोम रेड एडिशन। साथ ही साथ बात करें इसके लुक की, तो काफी ज्यादा रेट्रो और क्लासिक सा लुक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चाहे आप इसके टायर की बात करें, आप इसके डिस्क की बात करें, जो उन्होंने यहाँ पे अलॉयज यूज करें, वो काफी ज्यादा अच्छे लगने देखने में। लाइक ओवरऑल अगर आप बाइक को देखेंगे तो काफी ज्यादा रेट्रो लग रही है, एंड जो वो पुराना क्लासिक टच होता था रॉयल इनफील्ड का, वो कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यू है इस बाइक में। नाउ बात करते हैं इसके रेयर साइड लुक की, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा, एंड जो इन्होंने मेटल यूज़ करा, ओवरऑल बहुत ज़्यादा मेटल का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में। इवन जो इसकी टेल लैम्प्स है, वहाँ पे भी आपको वो जो क्लासिक 350 वाला लुक है वो देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आप चाहें तो सिंगल सीट एंड डुअल सीट दोनों रख सकते हैं। इसके क्लस्टर में आपको TFT स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो इसका टैंक है, वहाँ पे भी आपको जो रेड कलर की फिनिश है वो क्रोम वर्क के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड वो कंटिन्यू है पीछे तक टेल लाइट तक, तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। साथ ही साथ बात करें इसके साइड टैंक में, तो वहां पे आपको क्रोम वर्क के साथ एक ब्लैक कलर का एलिमेंट भी ऐड किया है, जो कि काफी अच्छा दे रहा है। आपको जो रॉयल इनफील्ड है वो थोड़ा सा 3D में देखने को मिल जाएगा इसको लोगो। साथ ही साथ बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 349 cc का इंजन मिलेगा, जो कि 20 PS की पावर जनरेट करेगा एंड 27 Nm की टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ये डुअल चैनल ABS है, आप देख सकते पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट टायर की बात करें तो इसका साइज आपको 100/19 मिलेगा, 19 inch की इसमें अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही बात करें इसके रियर टायर्स की, तो उसका साइज रहेगा 120/80 18 inch, पीछे आपको 18 inch के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, एंड वहां पे भी आपको अच्छा खासा क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा, चाहे इसके रियर इंडिकेटर्स हो, चाहे इसका मड गार्ड हो। ओवरऑल मेटल का जो वर्क है वो काफी ज्यादा किया हुआ है पूरी की पूरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम एडिशन में। साथ ही बात करें इसकी टेल लाइट की, तो वहां पे आपको ब्लैक ग्लॉस कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो इसके टेल लैंप्स एंड इंडिकेटर्स हैं, उनको थोड़ा सा राउंड शेप दिया गया है, सो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जो इसके सस्पेंशन है वो आपको अलॉयज में देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करें इसके स्प्रिंग की, बेसिकली जो इसकी राइडिंग सीट है, वहां पे आपको पहले अलग तरीके का एक सस्पेंशन देखने को मिलता था, बट अब एक डिफरेंट तरीका का देखने को मिलता है। बट जहां तक एक्सपीरियंस करा इस पर बैठ के, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। डिफरेंट है पहले से, बट अब और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। ओवरऑल अच्छी लग रही है सिंगल सीट, एंड आप चाहें तो इसको डुअल सीट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको ग्रैब रेल वगैरह दिख जाएगी, बट जो इसकी क्वालिटी है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। एंड बात करें इसके लेफ्ट हैंड साइड की, तो वहां पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी क्लासिक 350 की, एंड ओवर ब्लैक ग्लॉस कलर की, वहां पे बेसिकली जो पियानो ब्लैक होता है उसकी फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करें इसके फुटरेस्ट की, तो इसका जो फुटरेस्ट है उसकी क्वालिटी पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गई है, आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, पहले से थोड़ी सी सॉफ्ट है। एंड जो इसके गियर्स है वो भी आपको एक प्रैक्टिकल से लगेंगे देखने में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनकी पोजिशन नहीं रखी गई है। साथ ही साथ बात करें अगर हम इसके जो रियर फुटरेस्ट हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के दिए गए और अच्छी पोजिशन पे दिए गए, लाइक आपको बैठने में अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन और बाइक लॉक आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगी, जो कि पहले आपको डिफरेंट जगह देखने को मिलती थी, तो एक काफी अच्छी चीज कर दी है। साथ ही साथ आपको इसमें ट्रिपल नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसरीज में, एंड आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे TFT स्क्रीन दिख जाएगी, जहाँ पे आप अपने फ्यूल लेवल एंड ट्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है क्लासिक 350 पहले से अगर हम कंपेयर करें। साथ ही साथ जो इसका डिजाइन है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, आप इस देख सकते हैं इसके पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ। हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं आपको आगे एक हुड देखने को मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही इसमें आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, LED सेटअप नहीं है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 रेड क्रोम एडिशन है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक आपको एक
बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी इस बाइक में, क्योंकि जो इसका क्रोम है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जो कि इनफ होती है बाइक्स के लिए। ऑल दो आप इसको अगर बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो इसके एग्जॉस्ट में आपको ऊपर की साइड एक लेयर मिल जाएगी जो कि पिलियन का पैर बचाने के लिए, जिससे कि आपका पैर वगैरह ना जले। ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल एलिमेंट जोड़ा है रॉयल एनफील्ड ने। साथ ही साथ बात करें इसके साइड ग्रिल की, तो आपको उसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई है, एज जिसके लिए हमेशा से रॉयल एनफील्ड जाना जाता है। चाहे आप ग्रैब रेल की क्वालिटी की बात करें, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल देखने को मिल जाएगा। साइड में आप देख सकते हैं इसके खड़ी है सिग्नल्स ग्रे कलर, बेसिकली ये सिग्नल एडिशन है जिसमें आपको एक ग्रे कलर देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या चेंज मिल जाएगा, सबसे पहले जो इसका अलॉय व्हील्स है वो आपको ब्लैक कलर के मिल जाएंगे, साथ ही जो इसका एग्जॉस्ट है आपको पूरा मैट ब्लैक की फिनिश में देखने को मिल जाएगा। चाहे हम बात करें इसके एग्जॉस्ट की या फिर हम बात करें जो एग्जॉस्ट के ऊपर लेयर है, वो सब आपको यहाँ पर मैट ब्लैक कलर की देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जो इसका कलर है वो सिर्फ आपको मैट में ही देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसकी जो ग्रिल वगैरह वो भी आपको ब्लैक में देखने को मिलती है, बट एक मैट फिनिश में, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर आपको क्रोम में मिलेंगे, क्रोम एडिशन में, वहां पर आपको मैट ब्लैक के साथ देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करें अगर इसके सेल्फ कट जो डिजाइन है वो टोटली चेंज कर दें, सर्कल में आपको मिलता है एक अलग डिजाइन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ ही आपको नीचे हैजर्ड लाइट का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, आपको जो इसके हेड लैंप्स के कंट्रोल्स हैं वो भी टोटली सर्कल में आपको मिलेंगे, एंड नीचे आपको इंडिकेटर्स एंड हॉर्न बदल जाएगा। ऊपर की साइड जो बटन है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं सारी TFT स्क्रीन में डिटेल्स वगैरह। एंड अच्छा डिजाइन लग रहा है, काफी ज्यादा एक कूल और डिफरेंट सा डिजाइन दे दिया है रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉर्न में। सिग्नल्स वेरियंट की बात करें, तो इसमें आपको जो हेड लैंप है उसका थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आपको ब्लैक कलर के थोड़े से एडिशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे जो फ्यूल टैंक में इसके ग्राफिक्स है वो आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे, एंड जो इसका इंजन है वो भी आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा, वेरियस क्रोम एडिशन में वो आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलता है। सो ओवरऑल जिसमें जो ब्लैक कलर का यूज है वो काफी ज्यादा पीछे देख सकते हैं, जो इसका टायर्स है वहां पे भी आपको अलॉय व्हील्स वगैरह ब्लैक देखने को मिलेंगे। सो मैट ग्रे एंड ब्लैक की काफी फिनिशिंग दी गई है, वेरियस आप देख सकते हैं यहां पे आपको अलॉय व्हील्स जो है वो आपको क्रोम में देखने को मिलते हैं। न्यू क्लासिक रॉयल एनफील्ड रिबॉर्न में मुझे एक जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, इसमें आपको स्टैंडर्ड USB कनेक्शन देखने को मिलता है, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं या शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपको स्टैंडर्ड मिलेगा रॉयल एनफील्ड के सारे ही वेरियंट्स में। इसी के साथ बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो एक शोरूम स्टार्ट होता है 1,84,000 से लेके 2,15,000 तक। इसमें आपको टोटल 11 वेरियंट्स मिल जाएंगे, कलर, डुअल चैनल ABS, सिंगल चैनल ABS, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड आपको सारे ही वेरिएंट्स काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, बाइक्स थोड़ी सी और ज्यादा रिफाइन हो गई हैं पहले से। एंड मैं तो कहूंगा यार, अगर आप कोई भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो जाके पहले इसकी टेस्ट राइड लो, एंड उसके बाद डिसाइड करो खुद ही, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हमें रिव्यू मिल सकता है वो मिल सकता है टेस्ट राइड के बाद। सो ये वीडियो की रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉर्न के बारे में, आई होप आपको वॉक अराउंड रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, एंड यस जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन सी बाइक या फिर कार के वॉक अराउंड रिव्यू चाहिए, मैं आपके लिए ले जाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।